वेब 1.0 जिस टाइम भी आया था उस टाइम हम इंटरनेट को एज अ न्यूज़पेपर की तरह ट्रीट किया करते थे। वेबसाइट पर लोग कंटेंट पढ़ने आते थे और चले जाते थे, कोई इंटरेक्शन का तो ऑप्शन ही नहीं था। फिर आया वेब 2.0 जिसे हम सभी यूज करते हैं, जिसमें यूट्यूब भी इन्वॉल्व है, जिसमें आप इंटरेक्ट कर सकते हो, खुद का कॉन्टेंट बना सकते हो। सोशल मीडिया कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल पैदा कर रहा है वो तो हम सभी जानते हैं। और फिर आया बाप ऑफ इंटरनेट वेब 3.0। लेकिन एक मिनट, वेब 2.0 में ऐसी क्या कमी रह गई जो वेब 3.0 की जरूरत पड़ गई? भाई देखो, यहाँ पर एक दो कंपनीज ऐसी हैं जो कि पूरे के पूरे इंटरनेट को रूल कर रही हैं, जैसे कि गूगल 87% सर्च को कंट्रोल कर रही है, और जो फेसबुक है जो कि आज के टाइम पे मेटा बन चुका है, उसने रिसेंटली 3.6 बिलियन नए यूनिक यूजर्स को रीच किया है। तो भाई आखिर किसने इनको हक दिया है कि पूरे का पूरा इंटरनेट को ही कंट्रोल करें? अब यहाँ पे जो डेटा है वो एड्स के लिए यूज किया जाता है। अब एड्स कन्वीनियंट तो होते हैं, लेकिन प्राइवेसी यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। अभी रिसेंटली एप्पल के iOS 14.5 में नया फीचर इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जहाँ पर यूजर्स खुद से ही डिसाइड कर सकते थे कि आया कोई एप्लीकेशन उसको ट्रैक कर सकता है या नहीं, और उस चीज़ से फेसबुक को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। उन लोगों ने एस्टिमेट लगाया कि 2022 में उनको $10 बिलियन का नुकसान हो सकता है, वो भी सिर्फ एक प्राइवेसी फीचर की वजह से, और जो सिर्फ और सिर्फ आईफोन में ही है। इसीलिए टाइम आ चुका है कि हम यूजर सारी की सारी पावर अपने हाथों में ले लें, और ऐसा वेब 3.0 के थ्रू हो सकता है। कैसे, आइए देख लेते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि जो भी पावर है आज के टाइम में बड़े बड़े कंपनीज के पास, इनको सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ओपन सोर्स, जैसे एंड्रॉयड ओपन सोर्स है ना कि कोई भी मॉडिफाई कर सकता है, ऐसे ही हमारी डिमांड है कि वेब 3.0 सोर्स को किया जाए कि कोई भी आए और उसको अपने तरीके से मॉडिफाई कर सके। ब्लॉकचेन, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिक्योर टेक्नोलॉजी है, जिसमें आपका डाटा सिक्योर करके रखा जाएगा, और आपका जो डाटा है वो चेन की फॉर्म में डिफरेंट जगहों पर सिक्योर किया जाएगा, और ये बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है, इसको मतलब हैक करना बहुत मुश्किल है। तो अभी तक तो हमने देखा कि वेब 3.0 आखिर है क्या, अब हम देखते हैं कि आखिर इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। जब भी हम इंटरनेट चलाते हैं, हमारे पास कितनी बार ऐसा होता है कि किसी भी वेबसाइट को विजिट करो तो वो हमें सारी इन्फॉर्मेशन बार बार फिल करनी पड़ती, हर बार एक नया अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। वेब 3.0 हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। हर बार एक ही वेबसाइट को क्यों सेंसिटिव डाटा देना पड़ता है, इसीलिए यहाँ पर एनोनिमस साइनअप्स करने की फैसिलिटी मिल सकती है, जहाँ पर आपको एक ही बार एक यूजर्स को क्रिएट करना पड़ेगा, और किसी भी वेबसाइट पर आप चाहो आप एनोनिमस रहो। और देखा जाए तो इससे हमें काफी ज्यादा सिक्योरिटी भी मिलेगी। इसका मतलब ये है कि किसी भी वेबसाइट के जो यूजर्स हैं वो खुद मिलकर कुछ भी एक डिसीजन ले सकते हैं, खुद अपने रूल्स बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज के टाइम पर फेसबुक हमारे लिए रूल्स डिसाइड करता है, बस इसी का ही उल्टा होगा और यूजर्स खुद अपने रूल्स बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि शायद सेंसरशिप ना रहे। काफी दफा ऐसा होता है ना कि हमें कुछ भी सर्च करना पड़े तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा पर्टिकुलर होना पड़ता है, कोई भी काम करवाने के लिए बहुत ही ज्यादा पर्टिकुलर सेंटेंस बोलना पड़ता है। वेब 3.0 में इसको बहुत ही नेचुरल फॉर्म में बनाने के लिए एक फीचर आता है, जैसे कि हम अपने नॉर्मल फ्रेंड से बात कर रहे होते हैं, बस उसी तरह से हमारे सर्च भी होंगे, बहुत ही नेचुरल वे में हम कुछ भी पूछ सकते हैं और हमारा रिजल्ट सामने मिल जाएगा। लेकिन ये तो हो गई हमारी बात, नॉर्मल लोगों की बात, लेकिन जो बिजनेसेस हैं बड़े बड़े, जितने भी आज के टाइम पर SEO यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा पैसा देते हैं कि कोई भी उनको सर्च करे सबसे ऊपर रिजल्ट उन्हीं का आए, तो इस फीचर से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बल्कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। आज के टाइम पर जो इंटरनेट यूज करते हैं सबके लिए सारी की सारी वेबसाइट जो है वो सेम दिखती हैं। अगर आप फिर भी एड्स की बात करो तो बहुत ज्यादा पर्सनलाइज होते हैं, जो भी आप सर्च करो उनके एड्स दिखते हैं। सोचो अगर आप जैसा आपका टेस्ट है कोई भी वेबसाइट विजिट करते हो, वो वेबसाइट आपके टेस्ट के मुताबिक चेंज हो जाए, तो ऐसा एक्सपीरियंस वेब 3.0 में आपको मिल सकता है। आप लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि आज के टाइम पर कोई भी सर्विस डाउन हो जाती है, जैसे कि व्हाट्सएप रिसेंटली डाउन हुआ तो हमारी क्या हालत हो गई थी ना। वेब 3.0 यही प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता है। जैसे कि स्टार्टिंग में हमने बताया था कि ब्लॉकचेन पर ये बेस्ड है। ब्लॉकचेन का मतलब है कि ये सब कुछ डिसेंट्रलाइजेशन है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब कि ये सब कुछ बटा हुआ है,
अगर कोई भी बड़ी सर्विस जो कि 3.0 पर बेस्ड है, चाहे वो फेसबुक हो चाहे वो व्हाट्सएप हो, उनका जितना भी सर्वर और डाटा होगा वो बहुत सारे कंप्यूटर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अगर एक कंप्यूटर ख़राब हो भी गया तो बाकी सारे तो चल रहे होंगे और हमारी सर्विस कभी भी डाउन नहीं होगी। ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है जो वेब 3.0 सॉल्व कर सकता है। तो अब वेब 3.0 इतना अच्छा है तो किधर छुपा बैठा है, अभी तक सामने क्यों नहीं आया? तो इसमें भी कुछ ना कुछ मसाइल तो है, और जिसमें सबसे बड़ा मसला आता है ओनरशिप का। ट्विटर के CEO जैक डॉर्सी कहते हैं कि कोई भी वेबसाइट के यहाँ पे बहुत सारे ओनर नहीं हो सकते, वो डिसेंट्रलाइज नहीं हो सकता, उसको सेंट्रलाइज करना ही पड़ेगा, उसका कोई ना कोई एक मालिक तो होगा ही, वरना प्रॉब्लम्स तो आएंगे ही आएंगे। और यहीं से एक और प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा जो कि है रेगुलेशन इश्यूज का। ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा इंटरनेट को, तो रेगुलेशन इश्यूज आएंगे और इसकी वजह से साइबर क्राइम को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो पुराना हार्डवेयर है टेक इंडस्ट्री का, वो यूजलेस हो जाएगा, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि वेब 3.0 के अंदर इतने ज़्यादा फीचर्स लोडेड हैं, इतनी सारी रिसोर्सेज हैं, वो डिमांड करेगा, वो अपने आप को अपडेट करने के लिए फोर्स करेगा, और जो बिजनेसेस ऐसा नहीं करेंगे वो मार्केट से फिनिश्ड हो जाएंगे। और इन सब के अलावा हमारा जो सारा का सारा डेटा है वो बिल्कुल बट चुका है। यहाँ पर जितना भी हमारा पर्सनल या फिर पब्लिक डेटा होगा वो काफी हद तक एक्सेसिबल होगा, उसको कोई भी दे सकता है। हालांकि बताया तो जाता है कि ब्लॉकचेन है, इसके अंदर बहुत ज्यादा सिक्योर है, लेकिन हमने तो हमेशा ये नोटिस किया है कि टेक हमेशा हैकेबल है, और इस सिचुएशन की वजह से इश्यूज तो सामने आएंगे। लास्ट में वेब 3.0 के बारे में बस यही समझना होगा कि फिलहाल तो ये एक थ्योरी है, अभी इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। लेकिन आप बहुत बेसब्रे हो और अभी से स्नीक पीक लेना चाहते हो तो क्रिप्टो करेंसी और NFT ऐसी दो एप्लीकेशंस हैं जो आज के टाइम पर लाइव हैं। और मीटावर्स के बारे में भी ऐसा बताया जाता है कि फेसबुक बहुत ज़्यादा काम कर रहा है उसके ऊपर, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि ये तीनों की तीनों एप्लीकेशंस हमें बहुत जल्द देखने को मिलेंगी।